एक जंगल में आम के पेड़ पर कई पक्षी रहते थे। वे अपने छोटे घोंसलों में खुश थे। बरसात के मौसम के शुरू होने से पहले ही वे अपने घोंसलों को और मजबूत बना लेते थे। सभी पक्षी कई टहनियाँ और पत्तियों को लाकर अपना घोंसला मजबूत करती थी। पक्षी सोचते थे कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ खाना भी स्टोर कर लेना चाहिए। सभी पक्षियों ने मेहनत कर खाना ढूंढा और उसे इकट्ठा किया ताकि बरसात के मौसम में परेशानी ना हो। जल्द ही बारिश का मौसम आया। सभी जानवरों और पक्षियों अपने घर में रहने लगे। कई दिन तक बारिश चलती रही। एक दिन बारिश में एक बंदर जंगल में फंस गया। वो बारिश के समय एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया, लेकिन पानी अब भी उसके ऊपर आ रहा था। भीगते हुए बंदर को बहुत ठंड लग रही थी। बंदर ने कहा, यहाँ तो बहुत ठंड है। पक्षी ये सब देख रहे थे। उन्हें बंदर के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उनके लिए कुछ करना संभव नहीं था। उनमें से एक चिड़िया ने कहा, बंदर भाई, हमारे छोटे घोंसले में आप आ नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तभी दूसरे पक्षी ने कहा, हम सभी ने बरसात के मौसम के लिए तैयारी कर ली थी। अगर तुम भी अपने लिए घर बना लेते तो इस स्थिति में नहीं होते। बंदर को पक्षी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बताने की कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसने गुस्से में पक्षियों के सारे घोंसले तोड़ दिए और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। पक्षी कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसे में बंदर तो नुकसान में था ही, उसने पक्षियों का भी नुकसान कर दिया। पक्षियों ने सोचा, मूर्ख कभी अच्छी सलाह मानते नहीं है, इसलिए उन्हें सलाह ना ही देना बेहतर है।